नमस्कार मित्रों, हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन के आदेशों के विरुद्ध अपील के संबंध में क्या प्रावधान है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के सेक्शन 67 में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन यदि कोई आदेश देता है तो उस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन के अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त 30 दिन के अवधि के बाद भी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील को ग्रहण किया जा सकता है। यदि अपीलार्थी के पास अपीलार्थी यह दर्शित कर देता है कि उसके पास समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत न कर पाने के पर्याप्त कारण थे, न्यायोचित कारण थे जिसके कारण वह अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील को ग्रहण किया जाएगा व उसका निराकरण किया जाएगा। सेक्शन 67 में आगे यह बताया गया है कि यदि राष्ट्रीय आयोग या नेशनल कमीशन के द्वारा किसी धन के संदाय के बारे में कोई आदेश दिया गया है तो जब तक अपीलार्थी यानी कि विधित पक्षकार जिसने अपील प्रस्तुत की है या जो अपील प्रस्तुत करना चाहता है 50% जमा नहीं कर देता है उस आदेशित रकम का, तब तक उच्चतम न्यायालय अपील को ग्रहण नहीं करेगा व उसमें कोई आदेश पारित नहीं करेगा। यानी कि 50% पहले जमा करें, उसके बाद वह अपील प्रस्तुत कर सकता है। सेक्शन 68 में यह बताया गया है कि जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जाती है तो वह आदेश अंतिम होता है। मैंने आपको अपने पूर्व के वीडियो में और इस वीडियो में विभिन्न आयोगों के आदेशों के विरुद्ध अपील के संबंध में प्रावधानों के बारे में चर्चा की है। आगे के वीडियो में मैं आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी दूंगा। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार।